है शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, कल हमने बात की थी तुला लग्न की कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में कैसा आपको रिजल्ट देंगी, उसकी हमने डिटेल जानकारी दी थी आपको। आज बात करता हूँ तुला लग्न में ही मंगल देवता की प्लेसमेंट कौन कौन से घरों में कैसा कैसा फल देगी। वैसे तो मंगल देवता इस कुंडली में अति मारक माना जाता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट काउंट करती है बहुत ज़्यादा कि वो कैसा, कब, क्यों, किस तरीके का रिजल्ट देने वाला है, वो यहाँ से निर्धारण होगा। आज यहाँ उसकी प्लेसमेंट अलग अलग भावों में मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। नोट करते चले जाइए साथ में, ताकि अच्छे ज्योतिषी बनने का सफ़र जो मेरे साथ आपने शुरू किया है वो जल्दी से जल्दी तय कर पाए। प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिएगा, ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में ही अगर मंगल पड़ा होगा तो मंगल धन कुटुंब वाणी का मालिक होकर के और दाम्पत्य सुख का मालिक होकर के लग्न में ही आ गया। लग्न में आने से वो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि सातवीं दृष्टि अपने घर पर पड़ने वाली है उसकी, चौथी दृष्टि माता पे पड़ने वाली है। माता के साथ वो दिक्कत परेशानियां जरूर रहेंगी, मदर की हेल्थ को उसकी प्रॉब्लम जरूर रहेगी। क्यों? क्योंकि मंगल मारक ग्रह है इस कुंडली का, और मारक ग्रह जब भी माता को देखेगा तो दिक्कत परेशानियां जरूर देगा, बंदे की हेल्थ में भी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन एक एडवांटेज भी जरूर देगा, क्योंकि उसने धन कुटुंब वाणी को सर के ऊपर रख लिया है तो कभी धन की कमी नहीं आने वाली उस जातक को। परिवार के लिए अच्छा हो गया। हाँ, वाणी थोड़ी उग्र जरूर होगी, क्योंकि वाणी का मालिक मंगल देवता है, और मंगल देव का तत्व गर्म तत्व माना जाता है, अग्रेसिव तत्व माना जाता है, ये क्रूर ग्रह माना जाता है, पापी नहीं होता दोस्तों, क्रूर ग्रह माना जाता है। तो मंगल देवता अगर लग्न में पड़ा होगा तो लग्न के लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सातवें घर के लिए अच्छा हुआ, माता के लिए अच्छा नहीं हुआ, और आठवें घर में के लिए भी, जहां आठवीं दृष्टि मंगल की पड़ी, उसके लिए भी अशुभ हुआ, क्योंकि वहां ऑब्स्टेकल्स बढ़ाएगा, कम नहीं करने वाला। अगर मंगल दर्शकों दूसरे घर में ओन साइन का पड़ा हो, यानी स्व राशि का अपने घर में पड़ा हुआ, धन परिवार से अटैचमेंट सदा रहेगी, वाणी जरूर उग्र होगी, और परिवार की या धन में, परिवार में धन की कमी कभी नहीं आने वाली, यहाँ वो अच्छा फल जरूर देगा। और एक और एडवांटेज देगा दर्शकों, यहाँ चौथी दृष्टि मंगल की जो पांचवें घर में पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति के योग में कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और हेल्पफुल होगी इस कुंडली के लिए, ये सदैव ध्यान रखिएगा। मंगलदेव अगर तीसरे घर में पड़े हों तो कभी भी आप, वैसे भी इस लग्न कुंडली में मंगल मारक है तो मूंगा तो इस कुंडली में कभी बनता ही नहीं है, ये गलती से भी धारण मत कर लीजिएगा, वरना अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक सिवा प्रॉब्लम्स के मंगल कुछ नहीं देने वाला। अगर मंगल देवता तीसरे घर में पड़े होंगे तो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। अपने धन कुटुंब परिवार को यहाँ छोटे भाई बहनों में रख दिया, पत्नी को भी उठा के पराक्रम में रख दिया, सदैव रोबदार पर्सनैलिटी रहने वाली है, मंगल की दशा अंतरदशा में उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें एडवांटेज होगी, ये मंगल का कारक भाव होता है तीसरा, कारक भाव में आकर के बंदे को, जातक को वो पराक्रमी जरूर बना देता है, वो एडवांटेज मिलता है, बाकी सारे रिजल्ट्स नेगेटिव मिलते हैं। अपने जिस जातक की कुंडली में यहाँ मंगल पड़ा होगा उसका छोटा भाई बहन जरूर होगा, कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है इस कुंडली में। मंगल चौथे घर में पड़े हों, चौथे घर में मंगल देवता उच्च के हो जाते हैं, उच्च के मंगल देवता अच्छे माने जाते हैं, माता के लिए अच्छे हो गए, अपने विवाह स्थान के लिए अच्छे हो गए, यानी पत्नी उच्च की रख दी, विवाह स्थान के लिए अच्छे हो गए, लेकिन कामकाज के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होंगे और लाभ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि मारक ग्रह है। सिर्फ अपने घर के लिए अच्छे होंगे, बाकी वो कहीं अच्छे, माता को भी कहीं ना कहीं उच्च के होते हुए भी प्रॉब्लम्स ही देंगे, मेंटल पीस डिस्टर्बेंस में ही रखेंगे, माता से कभी बनने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल एक सेपरेटिव प्लैनेट है, वो उच्च का होने पर भी रिजल्ट अच्छे नहीं देगा, क्योंकि कुंडली का मारक ग्रह माना जाता है। मंगल देवता पंचम भाव में पड़े हों,
पत्नी को और धन कुटुंब को उठा के अपनी औलाद स्थान में रख दिया। यहाँ लव मैरिज का योग जरूर बनाता है मंगल देवता, कारण क्योंकि सप्तम और पंचम का अगर कोई कनेक्शन हो जाए तो लव मैरिज का योग कहीं ना कहीं जरूर बनता है जातक का। पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन मेंटली अग्रेसिव भी कर देता है। मारक ग्रह है इसलिए स्टमक में प्रॉब्लम्स भी दे देता है। वो प्रॉब्लम्स आपके लिए लंबे समय तक चलती हैं, जब तक मंगल की दशांतर दशा चलती है तब तक। मंगल देवता छठे भाव में पड़े हों, कभी भी जातक को विवाह सुख पूर्णता लेने देता ही नहीं है मंगल देवता। कभी भी परिवार का सुख और धन का अभाव सदा रहता ही है, परिवार के सुख में कमी और धन का अभाव सदा ही जुड़ा रहता है उस जातक का। वो प्रॉब्लम साथ चलती हैं जातक के आजीवन। जातक ना तो विवाह में, ना पार्टनरशिप में, ना डेली वेजेस में कभी स्टेबल ही नहीं हो पाता, वो और मारक हो गया। मैंने पहले भी एग्जाम्पल अक्सर दिया, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मारक ग्रह, ऊपर से प्लेसमेंट गलत, डबल मार पड़ती है उस बंदे को। जब भी दशांतर, हालांकि छठा घर मंगल का कारक भाव है, लेकिन बंटा धार कर देता है मंगल देवता, कभी ये स्टेबल नहीं होने देता अपनी दशांतर दशा में। मंगल देव सातवें घर में उन साइन के पड़े हों, विवाह के लिए बहुत अच्छे हो गए, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे हो गए, ये डेली वेजेस के लिए बहुत अच्छे हो गए, लेकिन प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल्स जरूर देंगे, पर्सनैलिटी में बोल्डनेस ला देंगे, और आठवीं दृष्टि जो धन कुटुंब वाणी पर पड़ी, वाणी को अग्रेसिव भी लाजमी कर देंगे। खुंदक में बंदा बोलेगा, खिंच के बोलेगा, इरिटेट होके बोलेगा, क्योंकि ये भी मंगल का अपना घर है और मंगल की यहाँ से आठवीं दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है। मंगल देवता आठवें घर में पड़े हों, कभी अच्छा फल नहीं देने वाले, ना धन परिवार से, ना दाम्पत्य सुख से, दोनों का कलह क्लेश पूरी जिंदगी मचा ही रहेगा। और बहुत सारे केसेस में तो मैरिज इतनी डिले हो जाती है, बंदा 34 साल तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल देवता मारक होकर के और बुरे घर में चले गए और वो और मुसीबत बढ़ा देते हैं। मंगल देवता भाग्य में पड़े हों तो पिता से कभी नहीं बनने देते, अपनी पत्नी को उठा के भाग्य में रख दिया, लेकिन वो अति शत्रु का घर है, पिता के सर के ऊपर रख दिया, बंदा जल्दी धर्म को मानने वाला नहीं होता, जिद्दी हो जाता है बंदा, फजूल का हार्डवर्क भी करता है, फजूल के खर्चे भी आते हैं, माता से भी कला कलेश बनता है, क्योंकि यहाँ से चौथी दृष्टि खर्च पे, सातवीं दृष्टि छोटी यात्राओं, छोटे भाई बहन पे, और आठवीं दृष्टि माता पे पड़ती है। हर एक से बंदा कला कलेश मचाई ही रखता है, इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बन जाता है, हर बात पे लड़ना कुड़ना सड़ना वो तैयार ही रहता है। मंगल देव दसवें घर में पड़े हों यानी कर्क राशि के, कर्क राशि में मंगल देवता नीच के हो जाते हैं। नीच के मंगल देवता बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, कभी अपनी दशांतर दशा में बंदे का काम काज सेटल नहीं होने देते, कभी वो परिवार से बनने नहीं देते, धन का अभाव सदा जातक से बना ही रहता है, वो कमी हमेशा महसूस करता है अपनी दशांतर दशा में धन की। क्यों? क्योंकि नीचता में आने से कर्म को भी नीच कर दिया, बंदा सीधे कर्म कभी नहीं करता, यहाँ तक पुट्ठी सोच हो जाती है कि सर जी दो नंबर तो पैसा कमा लाँ, सर जी अर्निंग दो नंबर तो कर लाँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम देता है। यहाँ से पर्सनैलिटी को भी प्रॉब्लम, माता को भी प्रॉब्लम, मेल इशू होने में भी प्रॉब्लम, चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ, सातवीं यहाँ, आठवीं यहाँ, तीनों घरों में प्रॉब्लम, और कर्म में कामकाज में भी प्रॉब्लम, कामकाज अपनी दशांतर दशा में वो सेटल करवाता ही नहीं है, सदैव प्रॉब्लम्स देता है। मंगल अगर ग्यारहवें घर में बैठा होगा तो यहाँ मंगल देवता अच्छा होगा। क्यों? एक योग माना जाता है प्रिय दर्शकों, धन का मालिक लाभ में या लाभ का मालिक धन में, यहाँ से बैठा हुआ वो अपने घर पे दृष्टि डालेगा, यहाँ उसको एक एडवांटेज, पत्नी को उठा के लाभ में रख दिया, मैरिज के बाद वो जातक बहुत तरक्की करता है, मैरिज के बाद उसको धन का आगमन, क्योंकि पत्नी को उठा के लाभ में रखा है, जैसे ही पत्नी घर में आई आहिस्ता आहिस्ता घर की तरक्की होनी शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंस आना शुरू हो गया, मेंटल पीस आनी शुरू हो गई, लेकिन पत्नी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी को छोटी मोटी बीमारियां यहाँ ज़रूर लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी को उठा के अगर लाभ में रखा है, पत्नी की वजह से लाभ आ रहा है, तो पत्नी की हेल्थ भी कहीं ना कहीं बिगड़ी रहेगी। यहाँ से दृष्टि डालेगा धन कुटुंब वाणी पर, सदैव अपने परिवार के लिए इतना धन अर्जित जरूर कर लेगा, परिवार के लिए वो अच्छा जरूर हो जाएगा। मंगल देवता यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे होंगे तो मेल इशू का योग भी बनाएंगे, बंदे को पराक्रमी भी बनाएंगे। सातवीं दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ी ग्यारहवें घर से, और छठे घर पे आठवीं दृष्टि पड़ी। अगर मंगल देव बारहवें घर में पड़े हों यानी कन्या राशि के पड़े हों,
पूरी जिंदगी कभी विवाह सुख स्टेबल नहीं होने देगा, पूरी जिंदगी कभी परिवार से बनने नहीं देगा, पूरी जिंदगी कभी भी धन संपत्ति में स्टेबल होकर के अपने आप की सेल्फ सेटिस्फेक्शन में बंदा नहीं आ पाएगा। हालांकि यहाँ से आठवीं दृष्टि विवाह स्थान अपने घर पे पड़ेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा फल नहीं देने वाले। सबसे बड़ा कारण है उसका, क्योंकि वो भाव गलत है। यहाँ पर मंगल देवता का पाठ पूजन करके ही या आपको सही कुंडली मिलान के बाद ही इसकी प्रोसीडिंग करनी चाहिए। अगर दोनों लड़की लड़के का सप्तम भाव का मालिक कहीं गड़बड़ हो जाए तो कभी कुंडली मिलान में विश्वास मत कीजिएगा। कुंडली दोनों की एक जैसी नहीं होनी चाहिए, एक की कुंडली ज़रूर ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ अगर मंगल देवता पड़े होंगे तो सदैव मैरिज कुंडली मिला करके कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी आने वाली जनरेशन्स की नींव हुआ करती है, और वो नींव अगर हिल गई तो आपकी जनरेशन तो बिगड़ेगी, आपका दंपत्य सुख तो खड्डे में जाएगा ही, लेकिन आने वाली जनरेशन्स भी उसका खामियाजा भुगतेंगी। इसलिए दोनों कुंडलियों में से, हस्बैंड वाइफ में से एक की कुंडली में सप्तमेश ज़रूर ठीक होना चाहिए, तभी मैरिज को प्रोसीडिंग आप कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, मंगल आपने हर घर में देखा कहाँ अच्छा और कहाँ बुरा रिजल्ट देगा, ज़्यादातर ये बुरा ही रिजल्ट देगा। सिर्फ यहाँ दूसरे घर में, सातवें घर में, ग्यारहवें घर में ही ये अच्छा फल दे पाएगा। नॉर्मली ये अच्छा फल कभी नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि इस कुंडली का अति मारक ग्रह है। मारक ग्रह की डेफिनेशन ये होती है, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर को खराब करना। तो मंगल देवता के लिए हमेशा पाठ पूजन किया जा सकता है। इस लग्न में गलती से भी गलती मत कर लेना मूंगा धारण करने की। किसी पोंगा पंडित ने अगर आपको विवाह स्थान के लिए या विवाह जल्दी होने के लिए मूंगा पहना दिया तो ये समझ लेना साथ में उसने बॉडी में डिजीज़ भी दे दिया, बीमारियां भी दे दी। कौन सी बॉडी में कब डिजीज़ ग्रिप कर ले ये आप खुद भी नहीं जान पाओगे, ना डॉक्टर डायग्नोज कर पाएगा। ये गलती से भी गलती मत कीजिएगा, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। दर्शकों, हमेशा मंगल की पाठ पूजन की जा सकती है, मंगल को नमन किया जा सकता है, मंगल को हाथ जोड़ा जा सकता है, मंगल के आगे प्रार्थना प्रणाम करके मंगल देवता को खुश रखा जा सकता है, ताकि आपका दाम्पत्य सुख अच्छा रहे और आपका धन कुटुंब वाणी का मालिक भी अच्छा सदैव रहे और वो आपको सदैव अच्छे फल दे। वो सदैव अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा अगर रोज आप उनके आगे नमन करना शुरू कर देते हो। किसी की भी तुला लग्न की कुंडली में दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आ रही हो तो रोज मंगल देवता की उपासना उसके लिए एक बहुत अच्छा फल देने का रामबाण उपाय साबित हो सकती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मंगल देवता क्रूर है, पापी नहीं है। उसमें सेपरेटिव टेंडेंसी जरूर है पर वो पापी नहीं है, वो देवताओं का सेनापति है, वो देवताओं में आता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा। जाते जाते आज आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। प्रिय दर्शकों, देखिए हम समाज में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं तो हमें 10 जगह आना जाना पड़ता है, कभी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कभी छोटी यात्रा करनी पड़ती है। हम ये मन में कभी डर भी लेके बैठते हैं कि हमने यात्रा कभी सुखद होगी या नहीं होगी, हमारी यात्रा संपूर्ण फल हमें अच्छा देगी भी या नहीं देगी, यात्रा में हमें कोई परेशानी होगी या नहीं होगी। तो इस डर को अगर आप कोप अप करना चाहते हैं तो सबसे बेटर एक छोटा सा इलाज बता देता हूँ। जब भी घर से निकलो तो गणपति जी के आगे माथा टेक के निकलो और साथ में बजरंग बली के आगे माथा टेक के निकलो, और दो दो चाहे चीनी के दाने हों आप जुबान पे रख के निकलो, यानी घर से मुंह मीठा करके निकलिए। बजरंग बली और गणपति जी के आगे माथा टेकना, गणपति जी के आगे माथा टेकना आपके विघ्न हरता है। गणपति जी आपके सारे रास्ते के विघ्न हर लेंगे। बजरंग बली आपको कामयाबी देने के लिए बाध्य हैं, वो बजरंग बली आपकी यात्रा की कामयाबी देने के लिए आपका हाथ जोड़ा हुआ स्वीकार करके आपको संपूर्ण यात्रा सफल करने के लिए आशीर्वाद दे देंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।